ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी डीएम डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने जिले में बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। चौरसिया ने बताया कि बनबसा में आज 8 बजे तक 4,71,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो चुका है, जिसकी गति बहुत तेज है। ये दोपहर 3 बजे तक पहुंच सकता है। डीएम ने एसडीएम गोला, एसडीएम धोरहरा, एसडीएम निघासन, एसडीएम पलिया व एसडीएम सदर को निर्देशित किया है कि वो मुनादी कर संभावित प्रभावित गांवों में निचले इलाकों को खाली करवाए। नेपाल में भारी बारिश हुई है, साथ ही अगले 24 घंटे में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिसको देखते हुए सभी संबंधित अधिकारी को कहा गया है कि नदी के आसपास ना तो किसी को जाने दिया जाए और ना ही नदी की सीमा से 50 मीटर की परिधि में किसी को रहने दिया जाए। घबराए नहीं, सावधान रहे, सुरक्षित रहे और प्रशासन का सहयोग करें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हरीश मोरिया जुड़ चुके हैं। हरीश, जो कि नेपाल में अधिक बारिश होने की वजह से लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश का काफी असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके हैं वो भी खाली करवाए गए हैं, क्या कुछ प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है? जी, आपको बिल्कुल बता दें, लखीमपुर खीरी में डीएम खीरी ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लिए जो अलर्ट जारी किया है, उसमें बताया गया है कि जो भी बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो भी तहसीलें आती हैं, जैसे गोला है, धौरारा है, निघासन है, पलिया है, सदर है, 7 तहसीलें इसके अंतर्गत आती हैं, उनके अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं उनको मौके पर भेजकर उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जो 50 मीटर से दूर इलाके हैं वहां से उनको हटा करके जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको सुरक्षित जगह पे उनको पहुंचाया जाए और उनके लिए जो सुरक्षित व्यवस्था खान पीन के लिए वो भी व्यवस्था की सुनिश्चित की जाए। जी जी चूंकि हरीश, भारी मात्रा में बताया जा रहा है कि 4,71,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होगा, तो किस तरीके से व्यवस्था की गई है? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उसके दरमियान ये यहाँ पे लगातार बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और नेपाल बाढ़ ग्रस्त इलाके से भी पानी छोड़ा गया, जिससे यहाँ पर जो नदियां हैं वो भारी उफान पे चल रही हैं, जिससे जो नदियों का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जी जी हरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार 24 घंटे